हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सब मजे में? बहुत बढ़िया। आज अपन लोग डिसइन्फेक्शन ऑफ वाटर में क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज क्लोरीनेशन। तो जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है रिगार्डिंग डिसइन्फेक्शन ऑफ वाटर, उसको देख करके आइए। उसमें मैंने और जो बाकी टेक्निक इस्तेमाल होते हैं ना फॉर डिसइन्फेक्शन ऑफ वाटर, उनको डिफाइन कर रखा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपका वेलकम करता हूँ क्यूरियोसिटी बॉक्स। मेरा नाम है सचिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, दैट इज अपना क्लोरीनेशन। तो भाई लोग, मैंने पहले ही बोला था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? सीधा सीधा हर साल 1 या 2 मार्क्स का इसमें से पूछ लेता है। ठीक, अब यार 12 से 13 मार्क्स या 14 मार्क्स जितने का भी आ रहा है, इसी रेंज में रहता है, उसमें से सीधा सीधा आपको मालूम है कि इसमें से 1 मार्क्स का आना ही आना है। इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो सीधा सीधा मैं इस पे कूद जाता हूँ कि इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या रहते हैं। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं जो अपने को फ़ायदा पहुँचा रहा है ये क्या। एक तो कॉस्टली नहीं होता, लेस कॉस्टली। ठीक, दूसरा क्या रहता है ये, मतलब ईजली अवेलेबल रहता है। ईजली अवेलेबल कहाँ से निकाल लेंगे आप क्लोरीन? अरे यार, नमक में से उसको, मतलब उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए ना, अलग अलग कर दीजिए NaRCl को, तो मिल गया ना क्लोरीन। ठीक, और नमक तो इतना है, मतलब समंदर में नमक ही नमक है, निकाल लीजिए वहाँ से। ठीक है, तो वहां से इसकी अवेलेबिलिटी आ जाती है। बाकी ये मतलब रिलायबल रहता है। रिलायबल इन द सेंस, मतलब आंख बंद करके आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये अपना काम करेगा ही करेगा। ठीक है, बट कुछ इसके फैक्टर्स रहते हैं जिस पर डिपेंड करता है कि नहीं कर, मतलब इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है बट काम करता है। ठीक, इसके बाद क्या रहता है, ये इजी टू हैंडल रहता है। इजी टू हैंडल, अब यार नमक को तो मतलब हाथ से ही पकड़ सकते हो ना, तो आसानी हो गई हैंडल करने में। और बाकी ये इजीली मेजरेबल रहता है, कि जैसे आप किसी सौदा लेने गए हैं दुकान में, बोला 1 किलो आटा तौल दो, तो सेम ये मतलब आप क्लोरीन को भी ले सकते हो इसी फैशन में। ठीक, इसमें इसका एक और इम्पॉर्टेंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट, इसमें इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो पार्ट रहता है ना, जो अपने मतलब काम आता है, दैट इज इसका लॉन्ग पीरियड ऑफ रेसिडुअल इफेक्ट। अब भाई लोग, जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी होगी उसके समझ में आ गई होगी। ठीक है, सिंपल भाषा में बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो जो भाई लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख करके आए हैं डिसइन्फेक्शन ऑफ वाटर का, उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम मान लीजिए बॉइलिंग करके आप पानी को डिसइन्फेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं आप, पूरा स्टरलाइज करके 100% बैक्टीरिया को मार दे रहे हैं। तो यार सोर्स पर तो मान लीजिए पानी आपका 100% शुद्ध हो गया, डिसइन्फेक्ट हो गया, कुछ गंदगी नहीं है, कुछ पैथोजेंस नहीं है। बट मान लीजिए अब आप उस पानी को कहीं पर कंटेन करेंगे, ठीक, फिर उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे घरों में, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में अगर मान लीजिए कहीं पे लीकेज है और उस पानी के अंदर कंटामिनेंट घुस गया, मान लीजिए लीकेज से किसी ने मतलब उसके अंदर कुछ डाल दिया, सुअर का पानी मिक्स हो गया उसमें कहीं, ठीक है, दिल्ली वाले समझ रहे होंगे गंगा जल का जो पानी आता है घरों घरों में, तो कहीं कहीं पे तो लीकेजेस रहते हैं ना। तो उस केस में क्या होगा, जो मेरा पानी सोर्स से तो साफ निकल करके आ रहा होगा, बट आते आते बीच रास्ते में गंदा हो गया, तो घर पहुँच के मतलब गंदा पानी मिल रहा है। अब यार घर में गंदा पानी मिल रहा है तो उसको यूटिलाइजेशन कौन करना चाहेगा? तो देखा गया जब क्लोरीन अगर हम लोग ऐड कर देते हैं ना पानी के अंदर, तो क्लोरीन के अंदर कुछ रेसिडुअल इफेक्ट भी रहता है, कि वो पानी के अंदर मौजूद रहता है, और बाद में अगर मान लीजिए पानी के अंदर कुछ और पैथोजेंस आते हैं ना जो अपने ह्यूमन को हार्मफुल करते हैं, तो ये उससे लड़ सकता है, ठीक, उसको किल कर देता है। यही था अपना लॉन्ग पीरियड ऑफ रेसिडुअल इफेक्ट जो क्लोरीन अपना दर्शाता है। ठीक है, अब यार ज़रूरी, मतलब हर सिक्के के 2 साइड्स होते हैं, एक अच्छा रहता है एक बुरा रहता है। अच्छा साइड जो अपन लोगों ने देख लिया, बुरा साइड भी देख लेते हैं, दैट इज अपना डीमेरिट। ठीक, तो पानी के अंदर यार एक ऑडोर देता है, मतलब अजीब सी महक देता है। जिन जिन भाई लोगों ने म्यूनसिपैलिटी वाला पानी पिया होगा, या होटल्स का पानी पिया होगा, या हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी का पानी पिया होगा, वहाँ पर आप लोगों को मतलब समझ में आ जाएगा कि पानी अलग ही है, मतलब अलग ही क्लोरीन का महक आता है। यार अपन लोग स्कूल टाइम्स में अपन लोग एक डिस्पेंसरी से पानी पीते थे, उस टाइम पर अपने को समझती ही नहीं कि यार कैसी महक आ रही है, उस टाइम पता था नहीं कि इसके अंदर क्लोरीन एडेड था पानी में। ठीक, इसके अलावा एक एक बिटर टेस्ट भी डाल देता है पानी में, हल्का हल्का सा, मतलब अजीब सा टेस्ट रहता है उस पानी का, मतलब आप पानी घटकोगे तो महक भी आएगी और टेस्ट भी अलग से रहेगा। ठीक, बाकी तो ये 2 चीज़ें आप फिजिकली देख सकते थे, टेस्ट करके और सूंघ करके। इसके अलावा अगर मान लीजिए मेरा पानी एल्कलाइन हो गया ना, एल्कलाइन मतलब उसका pH ज़्यादा है, उस केस में इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, इफेक्टिवनेस रिड्यूसेस। प्लस टेम्परेचर पे भी देखा गया, ठीक, तो ये तो दो, मतलब एक तो pH एंड टेम्परेचर, इन दोनों को मतलब ध्यान में रखना। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिसमें मेरा क्लोरीनेशन की जो इफेक्टिवनेस रहती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, तो उसको अपन लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो भाई लोग ये तो हो गया कि इसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब पानी के अंदर घुस के क्या कारनामे कर रहे हैं उसको देख लें। तो
मैं लिख देता हूँ डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन प्रोसेस ऑफ क्लोरीन, पानी के अंदर क्लोरीन जाके कर क्या कारनामा मेरा है। ठीक, तो मेरे पास क्लोरीन है सी, ठीक, इसी फॉर्म में रहता है अपने पास, और भी फॉर्म्स में रहता है, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, उसको अपन लोग आगे देखेंगे। ठीक, अभी बस अपने पास क्लोरीन है, उसको अपन लोगों ने क्या करा, पानी में डाल दिया। ठीक, आगे क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरा पीएच 5 से बड़ा है ना, तो ये कंपाउंड्स में टूटने लगेगा, दैट इज मेरा HOCl प्लस HCl, तो ये मेरा अपना हाइपोक्लोरस एसिड बन गया, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। अब भाई लोग स्पेलिंग गलत होगी तो मतलब गालियां मत देना, हीलिंग पे जाना। हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा, ये मतलब बहुत अनस्टेबल इन नेचर रहता है, अनस्टेबल रहेगा तो मतलब अपने आप को और तोड़ना चाहेगा कि भाई मेरे पास बहुत पावर है, मेरे को बस रिलीज करना है। तो अब ये क्या करेगा, HOCl फर्दर रिड्यूस होगा अगर मैं इसका पीएच और बढ़ाता हूँ पानी का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पीएच 8 के ऊपर पहुँच गया। ठीक, धीरे धीरे पीएच बढ़ रहा है और वो मतलब आगे डिसोसिएट होना चाह रहा है, तो एक इसमें टूटेगा, ये मेरा H+ आयन में टूटेगा, प्लस OCl नेगेटिव में टूटेगा। ठीक, और अगर मान लीजिए इसका मैं पीएच 7 से कम रखता हूँ, पीएच लेस देन 7, तो ये डिसोसिएट होगा ही नहीं होगा। ठीक, तो देखा गया जो अपना HOCl एंड OCl है ना, ये मतलब रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग पैथोजेंस, ठीक, किलिंग पैथोजेंस। ठीक है, बट यार OCl आगे बन रहा है और HOCl पीछे बन रहा है, तो कौन सा लें? तो देखा ये गया ना, जो अपने HOCl है ना, ये अपने OCl से 80 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, 80 टाइम्स इफेक्टिव देन OCl नेगेटिव। ठीक, तो जरूर मतलब ऐसा है कि OCl भी कर रहा है, किल कर रहा है पैथोजेंस को, बट HOCl उससे 80 टाइम्स ज़्यादा किल कर रहा है। तो अपन लोग चाहेंगे ना तो ज़्यादा मतलब काम करके दे उसी को रखे। अपन लोग पानी का पीएच जब अपन लोग डिसइनफेक्ट करते हैं ना, उसको इक्विवेलेंट रखते हैं 7.5 के करीबन करीब। ठीक है, तो ये तो बात हो गई HOCl एंड OCl की। HOCl एंड OCl को जब अपन लोग साथ में लेते हैं ना फॉर किलिंग, इसको अपन लोग कहते हैं फ्री अवेलेबल क्लोरीन। तो यार इस बात को याद रखना, HOCl और OCl को कंबाइंड रखते हैं तो उसको कहते हैं अपन लोग फ्री अवेलेबल क्लोरीन। HOCl कितना टाइम ज़्यादा इफेक्टिव रहता है OCl? गेट एन ईएसी में सीधे सीधे इससे क्वेश्चन पूछ लेता था, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं इससे। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन प्रोसेस में मैं चाहूँगा कि आपको ये बातें याद रहनी चाहिए। ठीक, इससे रिलेटेड मतलब क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इससे रिलेटेड मतलब क्या क्वेश्चन पूछ लेता है जनरली इन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताना चाहूँ, तो मान लीजिए अगर आपको पीएच मेंशन दे रखा है, से फॉर एग्जांपल 7 पीएच दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि पानी के अंदर मेरा HOCl का परसेंटेज कितना होगा एंड OCl नेगेटिव का परसेंटेज कितना होगा। से मेरा ये रिएक्शन था तो मेरा ब्रेक कर रहा था इन OCl नेगेटिव एंड H+ आयन। ठीक, अब भाई लोग जिन लोगों को केमिस्ट्री अच्छे से आता है, डिसोसिएट कर रहा है ना, आगे टूट रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है? अरे कहीं तो देखा होगा 11th स्टैंडर्ड में, बोलेंगे सर अपन लोग ध्यान नहीं दिया था 11th में, आप ही बता दीजिए। चलो यार हम ही बता देते हैं यार, कोई भी मतलब कंपाउंड या कुछ भी आगे टूटती है ना, तो वो एक स्पेसिफिक रेट से टूटती है, ऐसे नहीं कि मतलब एकदम से आगे गया और एकदम से टूट गया, धीरे धीरे टूटता है। ठीक है, उसको अपन लोग डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के तौर में बताते हैं। ये मैंने पीएच वाले में भी इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे रखा है, डिसोसिएशन और वाटर के अंदर कैसे रहता है पानी के अंदर, तो अपना जो ऊपर आता है ना वो रहता है अपना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे रहता है अपना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, ये जो बिग ब्रैकेट्स है ना, इसको अपन लोग कंसंट्रेशन के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, दैट इज अपना मोल पर लीटर। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई मेरे को बताओ कि परसेंटेज ऑफ HOCl कितना है पानी के अंदर, अगर पानी के अंदर पीएच इतना है, तो पीएच इन द सेंस क्या कर रहा है, आपको सीधे सीधा H+ आयन का कंसंट्रेशन बता रहा है। जिन जिनको पीएच का डेफिनेशन नहीं पता है वो देख करके आइए, यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला हूँ यार, इतना बेसिक्स रहता है। ठीक, और अगर जिसको जानना है पीएच के बारे में, तो मेरा क्वालिटी ऑफ वाटर वाला देख लेना जाकर वीडियो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है पीएच इनिशियल स्टेजेस से। ठीक है, चलो यार इतना भाव में क्या ही खाऊं, तो यहाँ बता ही देता हूँ, पीएच इज नथिंग बट मेरा नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन। अब मान लीजिए पीएच मेरा 7 है, तो सीधे सीधे मेरा कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा पीएच का, 10^-7 मोल पर लीटर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ HOCl मेरा जो निकल करके आता है ना, दैट इज नथिंग बट मेरा 100/1 K/H+ आयन। ठीक, अब बहुत सा बच्चा लोग इस फॉर्मूला को रट के बैठा होगा कि मैं, हम तो बिल्कुल याद करके आया है सर, आप भी याद करके बता रहे हो,
खैर याद करके नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं डिराइव कर सकता हूँ, ठीक, वी कैन डिराइव दिस। दोस्त बच्चा लोग जो रटना चाहते हैं उसको रट लें, जिनको डेरिवेशन चाहिए वो मेरे को बता दीजिएगा कि सर आई वांट अ डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, कहाँ से आया कैसे आया, मैं आपको इसका डेरिवेशन प्रोवाइड करवा दूंगा इन नोट, ठीक है। तो आप नोट्स में देख लेना, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, ठीक। ऐसे आपको परसेंटेज ऑफ एच ओ सी एल निकल में आ जाएगा। तो ये तो भाई ये लोग, ये बात हो गई कि अपने को पी एच मैंशनड है और अपने से पी एच मैंशनड है और अपने को डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट का वैल्यू दे रखा है, ठीक। अब मान लो अपन को किसी ले मैन को, मतलब आम आदमी को बताना है कि भाई इसके अंदर अगर इतना पीएच होगा तो इसके अंदर इतना चीज़, इतना कंटेंट रहेगा, ठीक। उसको मैं कहूँगा सीधा, भैया अगर तू मान लो कि पीएच अगर मेरा पानी का दैट इज मोर देन व्हाट 9.5, तो उसको मैं सीधा सीधा कह दूंगा कि इसके अंदर 100% OCl प्रेजेंट है एंड 0% मेरा HOCl है, ठीक। अगर मान लीजिए मेरा पीएच दैट इज लेस देन मेरा 5.5, तो उसको मैं कहूँगा कि भाई इसमें मेरा 100% HOCl प्रेजेंट रहेगा एंड 0% OCl प्रेजेंट रहेगा, ठीक। अब मान लीजिए वो बोलेगा सर बीच का बताइए मेरे को, मैं कहूँगा अगर पीएच इसका 7.5 के पास है तो दोनों 50-50 बांट लो, 50% HOCl एंड 50% अपना OCl, ठीक। तो ये हो गया जनरलाइज फॉर्म के लिए, कि अगर आपको किसी को समझाना हो। बाकी अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली चाहिए तो आप इस प्रोसेस का फॉलो कर लीजिएगा, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा जो मेरे गेट ESC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो आ चुके हैं, ठीक। भाई लोग ये तो मतलब कारनामा है अपना HOCl कर रहा है कि पैथोजेनिक जो थे बैक्टीरिया उनको मारने का काम ये कर रहा है, ठीक। आगे क्या देखा गया इसमें, जो अपना फ्री अवेलेबल क्लोरीन था ना, ये बाकी चीज़ों से भी रिएक्ट कर रहा है, इनसे पानी के अंदर, अब इनके अलावा और भी क्या होगा, अमोनिया प्रेजेंट हो सकता है पानी के अंदर, ठीक है, और क्या हो सकता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या प्रेजेंट रहता है, फिनॉल्स। तो मोस्टली ये जो अपना फ्री अवेलेबल क्लोरीन है ना, अब अपने को तो पीएच 7.5 के करीबन करीबन रखना है, क्योंकि क्या HOCl का परसेंटेज ज़्यादा है ना या इससे कम, ठीक। तो होगा क्या, जो मेरा पानी के अंदर HOCl होगा ना, वो पानी के अंदर प्रेजेंट अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि तो यार HOCl ज़्यादा उसमें रहेगा कंटेंट में एज कम्पेयर टू OCl, है ना। आगे क्या बनाएगा ये मेरा बनाएगा NH2Cl+H2O, इसको अपन लोग कहते हैं क्या, मोनो क्लोरामाइन। तो ये क्या बना रहा है, रिएक्ट करने के बाद क्लोरामाइंस बना रहा है ना, क्लोरामाइंस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक। तो एक क्लोरामाइंस भी मतलब डिसइंफेक्शन वाली प्रॉपर्टीज करते हैं, अपने पास रखते हैं, तो इसके बारे में मैं आगे थोड़ा बताऊंगा, पहले ही सस्पेंस नहीं खोल दूंगा, ठीक। तो अब ये जो बना मोनोक्लोरामाइन, ये और मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसको, आगे टूटेगा, बोलेगा नहीं भाई अभी मेरा मन नहीं भरा है, अभी मैं और रिएक्ट करेगा पानी के अंदर जो फ्री अवेलेबल क्लोरीन है उसके साथ, और कुछ बनाएगा। आगे क्या बनाएगा, ये एक हाइड्रोजन और लूज कर देगा और एक क्लोरीन उस पर चला जाएगा, ठीक। तो ये बनाएगा मेरा क्या, डाई क्लोरामाइन, ठीक। अभी भी इसका मन नहीं मानेगा, फिर फ्री अवेलेबल क्लोरीन के साथ जाएगा, बोलेगा भाई अब तो बस हद ही कर दिया आपने, हम और तोड़ेगा आपको। तो ये अपना एच और छोड़ देगा और बना देगा NCl3, ठीक। इसको अपन लोग क्या कहेंगे, नाइट्रोजन ट्राई क्लोरामाइन, ठीक। तो भाई लोग इसको याद रखना रिएक्शंस को, कि फ्री अवेलेबल क्लोरीन अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्लोरामाइंस बनाता है, और इन रिएक्शंस को याद रखना, ESC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस पूछता है, ठीक है, स्टेप वाइज पूछ लेता है, ठीक। तो जो ये तीनों महाशय जी आ रहे हैं ना, इन तीनों को अगर अपन लोग साथ में लेते हैं ना, किस किस को, मोनोक्लोरामाइन, क्लोरामाइन, डाइक्लोरामाइन एंड लास्ट क्या था अपना, नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामाइन, इन तीनों को अपन लोग साथ में जो लिखते हैं दैट इज अपना कंबाइंड क्लोरीन। तो यार मैंने बताया था ना कि क्लोरीन के पास रेसिडुअल इफेक्ट भी रहता है, तो क्लोरीन का जो रेसिडुअल इफेक्ट आता है ना, वो अपने को ये कंबाइंड क्लोरीन प्रोवाइड करवाता है, ठीक। तो ये तो बात हो गई है। अब मान लीजिए कंपैरिजन करते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, ये कि अपना फ्री अवेलेबल क्लोरीन। तो देखा गया क्या, जो अपना फ्री अवेलेबल क्लोरीन है ना, फ्री अवेलेबल क्लोरीन दैट इज 25 टाइम्स मोर पावरफुल इफेक्टिव देन कंबाइंड क्लोरीन, ठीक।
ये बात ध्यान में रखिएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से वही बात आ जाती है कि भाई अपने को तो मतलब किसी ले मैन को बताना है कि कौन सा चीज़ कितने में प्रेजेंट रहती है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। तो मैं इसको सीधा सीधा लिख देता हूँ टेबलर फॉर्म में, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बात करूँगा। अगर मेरा पीएच 4.4 से कम है ना, तो उस केस में मेरा सिर्फ ट्राइक्लोरा अमाइन ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक। अब धीरे धीरे पीएच बढ़ाते चले जाइए, पीएच मेरा अगर 4.4 से 5.5 के बीच में, उसमें मेरा क्या होगा, डाइक्लोरा अमाइन प्रेजेंट रहेगा, ठीक। इसके बाद मेरा अगर पीएच 5.5 से कहाँ 8.8 के बीच में पहुंच गया, तो मेरा बोथ मोनो एंड डाई क्लोरा अमाइन रहेगा, ठीक। अब मान लीजिए मेरा पीएच 8.4 से बड़ा हो गया, उस केस में सिर्फ मेरा मोनो ही प्रेजेंट रहेगा, मोनो क्लोरा अमाइन एग्जिस्ट, ठीक। तो ये जनरलाइजेशन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई लोग आपको मतलब ये सेंस आ रहा है कि क्लोरीन कैसे मार रहा है, अभी भी सेंस नहीं आया? तो एक हाइपोथीसिस था जिसको अपन लोग एंजाइमेटिक हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, जिसने अपने को एक मतलब जनरिफिकेशन दिया कि जो अपना क्लोरीन रहता है ना, अब जो बैक्टीरिया रहते हैं बहुत छोटे साइज में रहते हैं, इनका जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहता है ना, जिससे अपना फूड एक्वायर करते हैं, वो अपनी स्किन से करते हैं, एक सरफेस एरिया से। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन इनका जो सेल वॉल्स रहता है ना, जो सबसे ऊपर मतलब सर जैसे अपनी स्किन रहती है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसकी स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करेगा, और जो स्किन इसके मतलब बैक्टीरिया के स्किन के नीचे जो मतलब एंजाइम्स रहेंगे ना, जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करवा रही है, जो उसकी ग्रोथ के लिए से मस्ट होती हैं, उन एंजाइम्स को मार देता है। तो इसलिए क्लोरीन यहाँ पे काम कर रहा है एज अ डिसइन्फेक्टेंट, ठीक। अपन लोग देख लेते हैं डोसेज ऑफ क्लोरीन, कि कैसे कैसे अपन लोग क्लोरीन को पानी में देने वाले हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सीधा उठा के डाल दिया पानी में, अरे यार कुछ स्टेप्स रहता है ना कि कैसे क्या क्या उसके अंदर स्टेजेस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो पानी के अंदर जैसे मान लीजिए आपने क्लोरीन डाला, तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में क्या रहेगा, पानी के अंदर बहुत ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं, तो स्टेज वन में क्या करेगा, इनिशियली क्लोरीन पानी के अंदर जो मेरा इनऑर्गेनिक मटेरियल रहता है ना, जैसे मेटल्स हो गया, ठीक, उनके साथ जाके कंबाइन करेगा, ठीक, और फिर क्लोरीन से क्लोराइड्स बनाएगा, मतलब सॉल्ट बनाएगा, ठीक। तो मान लीजिए ये जो मेरा कर्व है, ठीक, तो इस कर्व में मैंने एक तरफ में ऑन एक्स एक्सिस डाल रखा है मैंने कितना क्लोरीन डाला है, और ऑन द वाई एक्सिस मैंने डाल रखा है कि कितना क्लोरीन उसके अंदर बचा हुआ है, ठीक है, आफ्टर द एप्लीकेशन। तो स्टेज वन में मेरा तो सबसे पहले उन मेटल्स के लिए और कंबाइन करके वो सॉल्ट्स बना देगा, इनिशियली वो यहाँ पर होगा, ठीक है, तो कुछ मेरे पास रेसिडुअल होगा ही नहीं, तो जो मेरे पास रेसिडुअल बचा ही नहीं तो मैं उसको दिखाई नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने उसको इधर बना दिया, ठीक। अब आते हैं अपन लोग स्टेज टू में, दैट इज मेरा बिटवीन ए एंड बी, स्टेज टू बिटवीन ए एंड बी, ठीक। ए एंड बी के बीच में क्या होगा, जो अपने पानी के अंदर जो अपना अमोनिया प्रेजेंट होगा ना, उसके साथ मिलकर के क्या बनाएगा, बताइए, कंबाइंड क्लोरीन बनाएगा, ठीक, बनाएगा नहीं बनाएगा, अभी पूरा प्रोसेस बता करके आएंगे। पानी के अंदर जो अपना HCl बचा रहेगा, दैट इज अपना फ्री अवेलेबल क्लोरीन, उसके साथ अमोनिया के साथ मिलकर के कंबाइंड क्लोरीन बनाएगा, देख रहे हैं इसके साथ मतलब इसकी रेसिडुअल इफेक्ट थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये पानी के अंदर एड अप हो रहा है और बाद में मतलब अपना रेसिडुअल बिहेवियर दिखाएगा फॉर गिविंग द व्हाट फ्यूचर कंटेमिनेशन प्रूफिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, बी से सी के बीच में, स्टेज सी में बिटवीन बी टू सी। अब यार जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल बच गया, उन ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज होने के लिए क्लोरीन रिक्वायरमेंट रहेगा, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मटेरियल, इसलिए यहाँ पे डिक्लाइन आ रहा है बी से सी में, ठीक। अब यार पॉइंट सी के बाद, स्टेज फोर, दैट इज मेरा सी पॉइंट के बाद क्या देखा गया, कि जितना भी एक्स्ट्रा क्लोरीन अब इस पॉइंट के बाद आप ऐड अप करोगे ना, वो अपने पास एज फ्री रेसिडुअल क्लोरीन अवेलेबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें और कोई मतलब किसी और चीज़ के लिए वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो पानी के अंदर पड़ा रहेगा,
और बाद में अगर मान लीजिए कोई और कंटामिनेशन आता है पानी के अंदर, तो वो उससे अपने को बचाएगा। ठीक, तो जो जिस पॉइंट के बाद अपने को ज़्यादा फ्री रेसिडुअल क्लोरीन मिलता है ना, दैट पॉइंट इज नथिंग बट अपना ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक, अपन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन में पढ़ेंगे ना, उसमें अपन लोग ब्रेकिंग पॉइंट क्लोरीनेशन को भी पढ़ेंगे। ठीक, तो ये ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल्स बेस्ड आता है। अगर मैं इसका स्प्लिट करूँ ना, तो यहाँ पर अपना आएगा फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, और नीचे आएगा इसके व्हाट, कंबाइंड क्लोरीन। ठीक, तो यार ग्राफ को अगर आपको अच्छे से पढ़ना आ गया ना, आधी इंजीनियरिंग तो आपकी वैसी हो गई। ठीक, इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा, ये न्यूमेरिकल्स पूछता है, तो जैसे जैसे अपन लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो अपना थोड़ा क्लैरिफिकेशन और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को रेसिडुअल क्लोरीन का मतलब पता चला, तो यार अपन लोग उस डोसेज को प्रेफर करते हैं ना, दैट डोसेज इज प्रेफर्ड दैट गिव्स अस 0.2 ppm एस रेसिडुअल क्लोरीन एंड 10 मिनट का एप्लीकेशन टाइम। मैंने अगर 10 मिनट के लिए उसमें क्लोरीन ऐड करा है और वो मेरे को रेसिडुअल क्लोरीन 0.2 ppm दे रहा है। रेसिडुअल क्लोरीन अभी बताया था ना मैंने, जो अपना फ्री रेसिडुअल क्लोरीन अपने को मिल रहा है आफ्टर ऑल दी स्टेजेस। एक पॉइंट रहता है ना कि आप क्लोरीन डालते रह रहे हो उसके पानी के अंदर और यूटिलाइज होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि उसके बाद वो क्लोरीन और किसी चीज़ के लिए यूटिलाइज होगा ही नहीं, वही तो मेरा फ्री रेसिडुअल क्लोरीन बच गया। तो मैं उस डोसेज को मतलब लेता हूँ जिसमें मेरे को रेसिडुअल क्लोरीन 0.2 ppm मिलता है एंड और वो 10 मिनट तक उसका मतलब कॉन्टैक्ट पीरियड में आकर के इट्स गिविंग मी 0.2 ppm एज फ्री रेसिडुअल क्लोरीन। ठीक, तो जो अपना पानी के अंदर जो अपना जो डिमांड मतलब जो टोटल रहता है ना, टोटल डोसेज, दैट विल बी मेरा इक्विवेलेंट टू व्हाट, डिमांड। डिमांड क्या क्या हो गई, जो भी मेरे जो स्टेजेस थे पानी के अंदर, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक। ठीक, प्लस उसके बाद क्या रेसिडुअल क्लोरीन जितना अपने को चाहिए। ठीक है, तो इतना टोटल डोसेज अपने को चाहिए रहता है फॉर गिविंग इन वाटर। ठीक है, तो ये तो था भाई अपना रिगार्डिंग डोसेज ऑफ क्लोरीन। इसके बाद अपन लोग देख लेते हैं कि किन किन फैक्टर्स में मेरा क्लोरीनेशन डिपेंड करता है और उसकी इफेक्टिवनेस। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच बैक्टीरियल किलिंग एफिशिएंसी डिपेंड्स फॉर क्लोरीन। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा रहता है इसमें टर्बिडिटी, तो जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी होगी उतना कम मेरा किलिंग एफिशिएंसी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सीधा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टू द एफिशिएंसी। ठीक, इसके बाद होता है मेरा मेटालिक कंपाउंड। मेटालिक कंपाउंड, अब यार जो स्टेज 1 में मेटालिक कंपाउंड जो भी मेरा आ रहा है, जैसे आयरन आ रहा है, मैग्नीज आ रहा है, वो उससे मतलब जो फ्री अवेलेबल क्लोरीन होगा उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी कम कर रहा है ना, सीधी सीधी बात। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी कम कर दे रहा है। ठीक, बाकी अगर मान लीजिए इसके अंदर इसका पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो पीएच वैल्यू इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, ओसीएल वाले वो बन रहे हैं आयंस, उसके वजह से मेरा क्या होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो लेस इफेक्टिव रहता है एज कम्पेयर टू HOCl। ठीक, इसके बाद क्या आता है मेरा टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर क्या करता है, अगर मैं टेम्परेचर कम कर दे रहा हूँ इसकी इसकी एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ जाता है ऑफ द क्लोरीन। ठीक है, वो लोग मतलब साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंटली करके देखा हुआ है। ठीक, इतना डेप्थ में जाइएगा, बस याद कर लीजिएगा इसको। ठीक, इसके बाद आता है मेरा कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम इन द सेंस कितने समय तक आपने क्लोरीन को उसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम रहेगा एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। जितना मतलब मान लीजिए एक रॉड है आपके पास क्लोरीन का, उसको आपने पानी के अंदर डिप करके रखा हुआ है बहुत देर तक, बहुत देर तक। ठीक है, तो होगा क्या, उसके वजह से पानी के अंदर क्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। जितना ज़्यादा क्लोराइड कंटेंट आएगा उसके वजह से आपके पास क्लोरीन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो जो अपने वायरसेस होते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, उस केस में अपना जो कॉन्टैक्ट टाइम रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक, तो भाई लोग इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लोरीनेशन। तो अपन लोग इसके बाद क्या देखने वाले हैं इसमें, दैट इज़ अपना चिक्स लॉ, उसका डेरिवेशन मैं करवाऊंगा कि कैसे मतलब अपना डिसइंफेक्शन पूरा प्रोसेस होता है। ठीक,
ठीक, कितना कंसंट्रेशन बच जाता है आफ्टर किलिंग फॉर गिवन टाइम, ठीक है। और इसके बाद अपन लोग देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन, कैसे अपन लोग क्लोरीनेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अपना आ जाता है प्लेन क्लोरीनेशन, डबल क्लोरीनेशन, ठीक है। तो वो कुछ के कुछ टाइप्स रहेंगे, प्लस कितने फॉर्म्स ऑफ मतलब क्लोरीन अपने पास अवेलेबल है, या लिक्विड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में, उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेंगे, ठीक। प्लस इससे रिगार्डिंग अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ जितना मैंने आपको अभी तक बताया उसको गो थ्रू करिए, रिवाइज करिए, याद करिए, और जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर पूछ लीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में विद चिक्स लॉ। थैंक यू।